we will discuss the anti-tubal drugs. Next, continue करेंगे next topic हमारे next drug है streptomycin. जो streptomycin हमारी drugs है उसे हम first ही बोलते हैं minoglycoside. It is other called minoglycosides. Why streptomycin is called minoglycoside? Because the minoglycoside minor 30 minogroups and thus glycosides are linked with this structure. So it is called streptomycin. It is called minoglycoside. Streptomycin was firstly discovered in introduced in chemotherapy 1944. जिससे ये जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है. जो
ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें क्या मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से गिव्स स्ट्रेप्टिडिन, ठीक है। अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके सिंथेसिस के हमें स्ट्रेप्टिडिन मिलेगा। नेक्स्ट वन है और स्ट्रेप्टो बायो बायोअमाइन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसकी अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, फर्स्ट है इट इज वाइट एंड जो है वाइट पाउडर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इट इज ऑर्डरलेस एंड स्लाइट ऑर्डर एंड हाई स्लाइटली बिटर टेस्ट। फर्स्ट वाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, जो है स्लाइटली है वो हमारा बिटर टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें जो इट इज सोल्यूबल इन वॉटर एंड स्प्रिंगली सोल्यूबल इन अल्कोहल, इट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये स्ट्रॉन्गली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है बेसिक इन नेचर है। स्टेबिलिटी एंड यूज, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड हीट। स्ट्रेप्टोमाइसिन ने अफेक्ट किससे करता है, मॉइस्चर एंड हीट से, हेंस ही इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर्स द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग देन 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इट इज स्टोर्ड इन, क्योंकि ये प्रेडिटर प्रेपरेशन होती हैं इसलिए हम इनको जो स्टोर करते हैं स्टीरॉइल जो कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, शुड बी स्टीराइल एंड सील्ड एज सो एज टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इसकी यूजेज है, फर्स्ट यूज है इसका इट इज यूज इन ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड इट इज यूज इन द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस है इसका क्या मीनिंग होता है कि जो ब्रेन एंड जो स्पाइनल कोड में इन्फेक्शन हो जाती है उसको हम बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट उसको हम डिजीज को बोलते हैं। एंड ये जो इन्फेक्शन होते हैं मेनली किससे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका इट इज यूज्ड ऑरली टू ट्रीट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। जब हम ऑरली जो ड्रग है बहुत कम स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम यूज करते हैं, अगर करते तो वो किसके ट्रीटमेंट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के ट्रीटमेंट में हम इसका जो है वो यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक इन ट्रीटमेंट ऑफ कैट एंड शीप। जो वेटरनरी मेडिसिन में भी हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स में करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैट और शीप के ट्रीटमेंट में, उनके जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का हम यूज करते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका हम लोग यूज करते हैं मेनली जो है गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी। जो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है इसमें जो फार्मास्यूटिकल इसकी प्रेपरेशन है स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो ये प्रेंट्रल में आता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है इंजेक्शन में अवेलेबल है।
नेक्स्ट टाइम हमारे ड्रग रिफेंसिंग जैसे हम बोलते हैं रिफेम पेन, रिफेम्सिन या फिर हम इसे अदर नेम इसका रिफेम पेन। इसकी केमिस्ट्री क्या है रिफेम्सिन की? रिफेम्सिन इज ए ग्रुप ऑफ केमिकली रिलेटेड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से ये रिलेटेड ग्रुप है, नेमली इसमें क्या क्या रहते हैं, कौन से ग्रुप है? रिफेम्सिन ए बी सी डी एंड ई। जो अपट्रैक्ट हमें कहां से अपट्रैक्ट होती है, जो रिफेम्सिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है मेडिटर्नल से, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम उसे ये सेमी सिंथेटिक जो हम जो रिफेम्सिन है उसको प्रिपेयर करते हैं। ये एनालॉग किसका है? रिफेम्सिन बी का। जो रिफेम्सिन बी है उसका ये एनालॉग होता है। हम सेमी सिंथेटिक इसकी जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। ये किससे बिलोंग करता है? बिलोंग द केमिकल क्लास एनसाइलोमाइसिन। इट कंटेन्स मैक्रो रिंग्स, ब्रिज होते हैं इसमें, ठीक है, दो पोजिशन पे इसकी है, जो फाइव पोजिशन पे एरोमेटिक नेफ्थाइल रिंग प्रेजेंट होती है। जो डिफरेंट नेचुरल सिंथेटिक रिफेम्सिन है, ओनली द रिफेम्सिन इज वेल अब्सॉर्ब्ड व्हेन टेकन। अगर जो रिफेम्सिन है वो वेल अब्सॉर्ब्ड, जो रिफेम्सिन बी है वो वेल अब्सॉर्ब्ड होती है अगर हम ओरली लेते हैं। हाउएवर फूड रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन, जो इसकी जो फूड से इसकी एब्जॉर्प्शन वो रिड्यूस हो जाती है, हैंस इसलिए हम लोग इसे क्या है जो रिफेम्सिन है उसको एम्प्टी स्टमक यूज करते हैं। अगर हम फूड के बाद लेंगे, खाना खाने के बाद लेंगे, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम लोग एम्प्टी स्टमक रिफेम्सिन को लेंगे ताकि जो उसकी अब्सॉर्प्शन है, उसका एक्शन है, वो हमें प्रॉपरली मिल सके। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है? इट इज अक्रेस ब्रिक रेड, ये और रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होता है। इट इज ब्रिक रेड, जो रेडिश ब्राउन जो क्रिस्टल्स हैं इनकी हमारे फॉर्म में अवेलेबल होगा। इट इज ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली जो सोल्यूबल है वो क्या है? इन वाटर एंड अल्कोहल एंड नेक्स्ट सोल्यूबल इन क्लोर।
कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा वो किसमें है, क्लोरोफॉर्म में हमारा जो रिफेम्सिन है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होती है. नेक्स्ट इट इज अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ये मॉइस्चर में अनस्टेबल है, इसकी जो है जो प्रेपरेशन हम लोग जब बनाते हैं तो इसे हम मॉइस्चर इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर इसे खराब कर देता है, डिटेरियोरेट. नेक्स्ट इसमें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज. अनस्टेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सो इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, एयर और ऑक्सीजन. जो रिफेम्सिन है वो इसे इफेक्ट क्या अगर करते लाइट एयर एंड ऑक्सीजन अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या है जो पैक करेंगे स्टोर करेंगे कि स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स, क्योंकि इसमें जो एयर अगर ऑक्सीजन में जाएगी एयर में जाएगी तो मॉइस्चर गेन कर लेगा, उससे डिटीरियोरेट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे टाइटली क्लोज कंटेनर्स में करेंगे. अगर लाइट इफेक्ट कर दे तो इसका क्या मीनिंग है, इसे हम लोग लाइट रजिस्टर्स जो कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर करेंगे. हम इसे जहां पर स्टोर करेंगे वहां पर क्या एटमोसफेयर जो टेम्परेचर नॉट एक्सेलिंग 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए. अब जो है जो फैंसी है वो मॉइस्चर में अनस्टेबल है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या जैसे सिलिका जेल ठीक है, डेसिकेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द फैंसी कैप्सूल कंटेनर्स. हमने केवल कैप्सूल्स की जो मेडिसिन की कैप्सूल्स की पैकिंग देखी है, जो हमारे कंटेनर्स में आती है उसमें एक व्हाइट कलर के पॉलीथीन सा होता है छोटा सा, वो क्या सिलिका जेल, जिससे क्या कर वो मॉइस्चर गेन नहीं कर पाते जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं, क्योंकि वो डिटीरियोरेट या फिर खराब नहीं होते क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो गेन नहीं होता. नेक्स्ट इसके यूजेस है, फर्स्टली इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं. सेकेंड इसका सेम यूज है गॉल ब्लैडर की इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, थर्ड वन इसका यूज है जो मेनिंजाइटिस में जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंफेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे. नेक्स्ट इसका हम यूज लोग यूज करते ट्यूबरक्लोसिस में जो यूज करेंगे इसका, वो हम लोग मेनली जो अदर ड्रग्स है रिफेम्सिन की इथोब्यूटोल हो गया हमारी ठीक है, आइसोनियाजोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन के उनके साथ हम रिफेम्सिन जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करते हैं. दूसरा इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस एंड गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, मतलब जो गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन है उसको हम बोलते हैं बिलियरी इन्फेक्शन. बिलियरी इन्फेक्शन बोलते हैं इसकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, ये हमें रिफेम्सिन जो है वो कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ठीक है, और उसके बाद है इसके जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम क्या है, रिफेम्पिन एंड रिफेम्सिन. ये हमारे जो एंटीट्यूबरकुलर जो ड्रग्स हैं ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया, खत्म हो गया. इसमें जो है एक राइट शॉर्ट नोट ऑन द एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स पे आता है ठीक है, 8 नंबर या 16 नंबर में. उसके बाद है ये इसको हमने जो इसमें डेफिनेशन है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आइसोनियाजिड की पास की स्ट्रक्चर है,
इथम्ब्यूटोल की तीनों कैप्टर्स की स्ट्रक्चर करनी है, बाकी जो कंपाउंड्स हैं ठीक है, एक है पाइराजिनामाइड की स्ट्रक्चर, बाकी जो हमारे इसमें कंपाउंड्स हैं ड्रग्स दी हुई हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो है यूजेस, स्टोरेज ठीक है, अगर जिनकी केमिस्ट्री है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोसरीन एंड रिफैम्पिसिन की केमिस्ट्री है वो भी हमने स्टडी करना है। इसमें जो एक क्वेश्चन आ जाता है साइक्लोसरीन पर और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है चार चार नंबर में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर लाइक राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोसरीन ड्रग्स। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।